हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्री व्लॉग्स। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्टिनेंट के ऊपर बात करेंगे जिसका वीज़ा लेना आपका पहला ड्रीम होता है, जिसको आप अदर कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। गाइस, बिल्कुल ये कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जो आपको अलाउ करता है कि अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप 27 कंट्रीज़ में बिल्कुल फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जी गाइस, बिल्कुल यूरोप में टोटल नंबर ऑफ 44 कंट्रीज़ आती हैं। सो आउट ऑफ 44, 27 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो शेंजन जोन में आती हैं। और शेंजन जोन क्या कहता है कि अगर आपके पास उन 27 कंट्रीज़ में से किसी का भी वीज़ा ले लेते हैं तो आप पूरे एंटायर शेंजन जोन, जिस पे 27 कंट्रीज़ आती हैं, आप बिल्कुल वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सो इसमें अगर मेन कंट्रीज़ की बात करूँ, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सो यहाँ पर हर एक कंट्री की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। टॉप 7 लाफिंग कंट्रीज़ की, तो टॉप 7 जो लाफिंग कंट्रीज़ आती हैं वो बिल्कुल यूरोप की कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर लोग जितना ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ा के साथ जाते हैं, आप इन कंट्रीज़ को देख सकते हैं एजुकेशन वाइज भी, सेटलमेंट वाइज भी, और यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है उसको आप तो बिल्कुल भी कंपेरिज़न नहीं कर सकते अदर कंट्रीज़ की तरह, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा। तो शेंजन जोन की बात करूं, इसमें वीज़ा लेना बहुत इजी है। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है एज़ कम्पेयर अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां आपको 3 साल की ITI दिखानी पड़ती है और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आप मिनिमम 2 साल की ITI और 3 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करूँ एम्बेसी फ़ीस की, यहाँ पर एम्बेसी फ़ीस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। अदर कंट्रीज़ में $100, $185, और अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ 80-90 यूरो के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट, CA रिपोर्ट, बहुत कुछ दिखाना पड़ता है। बस इस कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बात करता हूँ वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं। तो शेंजन जोन की कुछ रूल्स हैं, आपको वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। शेंजन जोन क्या कहता है कि अगर आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में आपका जो स्टे है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और बाकी की अगर आप कोई और कंट्री साथ में क्लब कर रहे हैं, लाइक अगर आप जर्मनी के साथ स्विट्ज़रलैंड ले रहे हैं या पेरिस ले रहे हैं, तो आप जिस कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंट्री में आपका नंबर ऑफ नाइट्स जो आपका स्टे करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे जर्मनी में 3 दिन रहना है, ठीक है, उसके अलावा फ्रांस में 4 दिन और 5 दिन हमने लेना है स्विट्ज़रलैंड में, और हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी से, तो यहाँ पर वीज़ा डिनाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। सो डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होल्ड होनी चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास जॉब होनी चाहिए। जॉब को प्रूव करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, आपके पास NOC, आपके पास ID प्रूफ्स भी होने चाहिए। और जो सैलरी आती है आपके अकाउंट में होनी चाहिए, जितनी भी सैलरी आ रही है। अब आपको ITS की रिक्वायरमेंट है, आपके पास मिनिमम 2 साल की ITS होनी चाहिए। उसके अलावा आपको एक अच्छा सा कवर लेटर रेडी करना है जिसमें आपका जाने का रीज़न और वापस आने का जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर मेंशन हो, और जो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करें कि आपका जाने का रीज़न और वापस आने का रीज़न बिल्कुल एक जेन्युइन रीज़न है। सो डमी होटल बुकिंग एंड डमी फ्लाइट टिकट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं आपके पास पेड इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर 25,000 से लेके 30,000 यूरो तक का आपको इंश्योरेंस पहले से ही बाय करना है जब आप सारे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करके एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के साथ जाते हैं। सो अगर आपका कोई अपना बिजनेस है या आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीज़ा मिल जाता है तो आपका जो ड्रीम है कि आप फर्दर किसी भी बड़ी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन UK, तो अगर आप डायरेक्टली बड़ी कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो यस, कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत क्रिएट करता है। अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो यस गाइस, अगर आप इन कंट्रीज़ में सेटलमेंट के अकॉर्डिंग भी सोच रहे हैं, लाइक पुर्तगाल या लाइक माल्टा, तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो आपको वर्क परमिट भी प्रोवाइड करती हैं। सो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा भी चले जाते हैं तो इन कंट्रीज़ में जाके अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में भी चेंज करवा सकते हैं।
तो ये भी कंट्रीज जो हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि आप इन कंट्रीज में वर्क परमिट कन्वर्ट करके आप फर्दर अपना रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना एज होनी चाहिए। मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आप वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो VFS ग्लोबल में डिपॉजिट करवाइए, वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक होगी, ठीक है, और उसके बाद आपको मेल या मैसेज के थ्रू विद इन 7 days या 10 days उसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। और अगर अप्रूवल मिलती है तो आपको पासपोर्ट के साथ VFS ग्लोबल जो वो जाना पड़ेगा, जो भी आपका नियरेस्ट VFS ग्लोबल है, और उसके बाद पासपोर्ट स्टैंपिंग के साथ आपको वीज़ा मिल जाएगा। यू कैन ट्रैवल वट एवर यू कंट्री हैव अप्लाई। सो ये था मेरी छोटी सी वीडियो शेंगेन कंट्रीज़ के ऊपर कि अगर आपका ड्रीम है शेंगेन कंट्रीज़ में जाने का तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना, मैं आपकी क्वेरीज रीड करूँगा और आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करूँगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।